महिलाओं ने संभाला मोर्चा। महिलाओं की मांग है कि साहू मोहल्ला स्थित शराब की दुकान को हटाया जाए। हालांकि इससे पहले भी कई बार लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन के चलते इन्हें अपना धरना खत्म करना ही पड़ता है। लेकिन इस बार माहौल कुछ और ही है। महिलाएं खड़ी हुई हैं। जब तक शराब की दुकान नहीं हटाई जाती तब तक सभी महिलाएं वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगी। वहीं शराब के ठेकेदार की पुलिस प्रशासन में इतनी तगड़ी पकड़ है जिसके चलते पुलिसकर्मी खुद धरना स्थल पर आकर महिलाओं को धमकाते हैं एवं गाली गलौज करते नजर आते हैं। वहीं एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुमराज थाना प्रभारी महिलाओं से अभद्रता कर रहे हैं। हालांकि इस तरह की हरकत किसी भी पुलिसकर्मी को शोभा नहीं देती, लेकिन शराब ठेकेदार द्वारा इन पुलिसकर्मियों को ज्यादा ही लाड़ प्यार दिया जा रहा है, जिनका खामियाजा महिलाओं को भुगतना पड़ता है। महिलाओं का भी आरोप है कि इनके साथ गाली गलौज की जाती है, उसके बावजूद भी महिलाएं धरना स्थल पर धरना खत्म करने के नाम नहीं ले रही हैं। वहीं काफी गंभीर आरोप लगाते हुए महिलाओं ने बताया कि पुलिस विभाग के आला अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनते। कई बार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन के आला अधिकारियों तक अपनी मांग पहुंचाने के बाद भी अभी तक कुमराज के साहू मोहल्ला से स्थित शराब की दुकान को हटाया नहीं जा सका है। शराब की दुकान न हटाए जाने के चलते यहाँ आए दिन झगड़े होते हैं, वहीं शराबियों द्वारा उत्पात भी मचाया जाता है। मेरी गलती होगी ना तो आप मुझे तकदीर से पढ़ लिए लिख लिया जी से। हाँ तो तुम ऐसी करो गरीबन की सुन लो साहब, और बेंचोदन का नमू थे जम जिन लाचा कर करके टाड़ा हो जाए मामू तब लड़की अब उन पर निदई गारे में ना ईमान करके मान रही है गंगा उन्हें दे दई तो ये गाड़ी की औरत की लज्जा का इंसान है क्यों बैठ रही है बस बुरी बुरी गाली रखी जिसका नकिया साहब ने इतनी बुरी बुरी गाली रखी इनको भी क्या बात रुके बहन की लवली में फलाने का तुम दुकान खा रही हो बोल के बुरी गाली रखी ना अम्मा को सीधी सीधी गाली रखी गाना सुनंग हम ठीक है ऐसी ऐसी कही राम जी में ना जो एक मिनट नहीं कुटेगा तो नहीं कुटेगा सब ठेका बंद होना जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक बार दो बार उन्होंने जो बोला था कि 11 तारीख को हट जाएगा, 11 तारीख बोल बोल के आज 23 तारीख हो गई। उसके बाद में जो कह रहा हमने दुकान बता दी सब बता दिया हट चुके हैं, वो न्यू बोल रहा है कि हमको है ना बीच बाजार में उधर लेना चाह रहा है। हम नहीं लिया वो दुकान, हमारे हिसाब से लेंगे। हमने न्यू कि तुम देख लो महीना भर की छुट्टी दी हमने, उसके बाद भी नहीं देखी। वो सही बात तो ये खाली करना ही नहीं चाहते। आपने शिकायत की किसी को? की ना शिकायत की, तीन चार बार कर चुके हैं हम, थाने में भी चलेगा। उसके बाद भी वो आए, उसके बाद भी उन्होंने ये नाटक करा, इनको अम्मा जी को गाली बक दी उन्होंने। अब जब तक ये ठेका नहीं हटे ना हम लोग नहीं हटेंगे इधर। कुमराज से ग्राउंड रिपोर्टर कपिल नामदेव की रिपोर्ट।